सीबो वॉश शैम्पू जो कि बनाया जाता है सिप्ला एलटीडी के द्वारा बनाया जाता है। ये शैम्पू जिसके अंदर कंटेंट फ्लुसिनॉल्स एसीटोनाइड्स 0.1% वेट बाय वॉल्यूम रहता है और इसका एमआरपी की बात करूँ तो इसका एमआरपी 352 रुपीज़ रहता है और ये 125 ml में एक शैम्पू की बोतल में रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है डैंड्रफ का, ये ट्रीटमेंट करता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सीबो वॉश शैम्पू जो कि बनाया जाता है सिप्ला एलटीडी के द्वारा बनाया जाता है, इसके अंदर कंटेंट की बात करूँ तो इसके अंदर फ्लुसिनॉल्स एसीटोनाइड्स 0.1% वेट बाय वॉल्यूम रहता है और ये 125 ml का एक बोतल में रहता है जिसके काम करता है ये डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करता है और इसको डॉक्टर की अगर सलाह से नहीं लगा रहे तो जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। तो जब भी इसको लगाए तो डॉक्टर की सलाह से लगाए, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना फिक्स रखे और इसका डोज और डॉक्टर की सलाह से लगाए। तो ये काम कैसे करता है तो इसके अंदर एक स्टेरॉइड्स डाला गया है जो कि ब्लॉक करता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जिससे बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन रेडनेस और स्वेलिंग और एलर्जी कम हो जाती है। तो ऐसे काम करता है ये शैम्पू। तो इस शैम्पू के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है उसको पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।